जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित सेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निरंतर हमारी जो पर्यावरण की क्लासेस चल रही हैं और परिवार का ये लगभग तीसरा वीडियो है, ठीक है। परिवार से संबंधित जितने भी और जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आप तक पहुँचाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में अवश्य देखें। और दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और कोई भी डाउट लगता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। फेसबुक में जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। परिवार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा परिवार या फिर फैमिली, ठीक है। सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह है, यह सर्वव्यापी है और प्राथमिक सामाजिक संगठन। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक सामाजिक संगठन कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा परिवार, ठीक है। मनुष्य के जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक परिवार में ही जन्म लेता है तथा परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। परिवार ही उसे पारिवारिक एवं सामाजिक प्राणी बनाता है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। सामाजिकरण, संस्कृति के हस्तांतरण तथा सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो परिवार के बारे में आपको याद रखना है कि परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला होती है, ठीक है। परिवार समाज की प्रथम सामाजिक संगठनों की जो है प्राथमिक इकाई होती है, ठीक है, और परिवार सामाजिक संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी। अब दोस्तों जानेंगे हम परिवार का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। परिवार शब्द लैटिन भाषा के जो है फैमुलस से बना है। इससे एक समूह का बोध होता है जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे और नौकर आते हैं, ठीक है। तो परिवार शब्द ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, फैमुलस से, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपका सीधा सा पूछा जाएगा, है ना। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये किसने कहा है, मैकाइवर तथा पेज ने कहा है। आपसे सीधा सा कथन यहाँ पर दिया जाएगा कि परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। ये जो परिभाषा दी है परिवार की, वो किसने दी है, तो मैकाइवर और पेज ने दी है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है दोस्तों क्लियर के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है, तो ये अरस्तु का है। परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। ये जो परिभाषा दी है वो किसने दी है, क्लियर ने दी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु ने कहा है, ठीक है। परिवार की विशेषताएं, विवाह एवं यौन संबंध, ठीक है, वंश परंपरा एवं नामकरण की प्रणाली, एक सामान्य निवास स्थान, सार्वभौमिक संगठन, परस्पर आर्थिक बंधन और परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना। तब आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए कि विवाह एवं यौन संबंध, वंश परंपरा एवं नामकरण की प्रणाली, एक सामान्य निवास स्थान, सार्वभौमिक संगठन, परस्पर आर्थिक बंधन, परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना, ये सारी की सारी परिवार की विशेषताएं मानी जाती है, ठीक है। अब दोस्तों हमें पढ़ना है परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार आकार के आधार पर मनुष्य के दो प्रकार के परिवार होते हैं। एक तो एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार इस तरह के परिवार में माँ बाप तथा उनके अविवाहित बच्चे होते शामिल होते हैं। यह छोटा परिवार होता है, ठीक है, कौन सा, एकल परिवार, है ना। इस चित्र के माध्यम से आप देखें कि माता पिता और उनके दो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ये परिवार जो है वो किस श्रेणी में आएगा, एकल परिवार की श्रेणी में आएगा, ठीक है, एकल परिवार। तो ये चित्र के माध्यम से आप देख, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार इस तरह के परिवार में दादा, दादी, चाचा, बुआ, ताई, है ना, माँ बाप और बच्चे होते हैं। परिवार बड़ा होता है, कौन सा,
संयुक्त परिवार। आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस परिवार में दादा दादी चाचा बुआ ताई माँ बाप और बच्चे रहते हैं वह परिवार कौन सा या किस प्रकार का परिवार होता है, तब आपका साधारण सा उत्तर होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इस प्रकार से आप देखें संयुक्त परिवार के पूरे दादा दादी हैं, है ना, माँ बाप हैं और ये सारा का सारा संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार का उदाहरण है, किसी एक परिवार को जो है एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं, पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। ठीक है, एकल परिवार के बारे में देखते हैं। एकल परिवार में होता है दोस्तों क्या, माता पिता लड़का लड़की, ये माता और पिता लड़का लड़की उनके जो बच्चे होते हैं ये एकल परिवार की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, और संयुक्त परिवार की बात करें तो दादा दादी ताऊ ताई माँ बाप चाचा चाची बुआ इनके भी सबके बच्चे, ये पूरा का पूरा संयुक्त परिवार होगा। एकल परिवार के गुण देखो, एकल परिवार के कौन कौन से गुण है, एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं और वे आत्मविश्वास से भरे हुए वह किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। एकल परिवार की सुखी परिवार होता है। ठीक है, ये क्या है, एकल परिवार के गुण है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा एकल परिवार का गुण है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। एकल परिवार सुखी परिवार होता है, एकल परिवार सदस्यों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है, एकल परिवार अपने सभी सदस्यों का शिक्षित होने का समान अवसर देता है। ठीक है, एकल परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना नहीं होती। ठीक है, और भी देख लेते हैं, एकल जो परिवार है में सामान्यतः कम आय होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, परिवार में सभी लोग खुश एवं प्रसन्नचित होते हैं। तो एकल परिवार के गुण हो गए, तो कहीं दोष भी है एकल परिवार के। ठीक हो, एकल प्राय परिवार में प्राय बच्चे का जो है क्या होता है, उचित देखभाल नहीं हो पाता, एकल परिवार में स्वार्थ की प्रबलता भावना पनपती है, एकल परिवार को बुरे समय तथा अन्य संकट में कोई आर्थिक शारीरिक व भावनात्मक सहारा नहीं मिलता, तो ये एकल परिवार के दोष भी हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार के गुण देख लो, संयुक्त परिवार के सदस्यों में नागरिक गुणों का विकास होता है, संयुक्त परिवार में घरेलू एवं बाह्य कार्यों हेतु श्रम विभाजन की सुविधा होती है, और परिवार के सदस्यों में त्याग और सहयोग जैसी मानवीय मूल्यों का विकास होता है ना, और संयुक्त परिवार के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, विभिन्न अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग देते हैं और अनुष्ठानों को मिलजुल कर पूरा करते हैं, वे सभी भावनात्मक रूप से आपस से जुड़े रहते हैं। तो ये संयुक्त परिवार के कुछ क्या है, विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार के दोष देख लो, संयुक्त परिवार में पारिवारिक कलह की संभावना होती है, संयुक्त परिवार में व्यक्ति के विकास के संपूर्ण अवसर नहीं होते, संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा होती है, इन परिवारों में कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है जिससे उन्हें अपना व्यक्तित्व निखारने का अवसर नहीं मिल पाता, संयुक्त परिवार में बालकों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। तो ये संयुक्त परिवार के कुछ दोष हैं, कुछ गुण हैं, तो कुछ दोष भी हैं, चाहे वो एकल परिवार हो चाहे संयुक्त परिवार हो। ठीक है, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण देखते हैं दोस्तों। तो संयुक्त परिवार के सबसे पहले विघटन के कारण यहाँ पर हम देखें तो औद्योगिकरण है, जनसंख्या वृद्धि है, नगरीकरण है, शैक्षिक कारण है, जाति व्यवस्था का विघटन है। तब आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए कि संयुक्त परिवार प्रथा में दोष है, इन दोषों के कारण संयुक्त परिवार व्यक्तिगत परिवारों में बदलते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण निम्न प्रकार हैं, सबसे पहला तो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण परिवार के सदस्यों को काम के लिए शहर जाना पड़ता है, वे सदस्य वहीं बस जाते हैं जिसके कारण वह एक स्वतंत्र परिवार के रूप में अपना अस्तित्व कायम कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, औद्योगिकरण हो गया। ठीक है, और भी कारण देख लेते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि, संयुक्त परिवार में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे स्थानाभाव के कारण उसमें से धीरे धीरे सदस्य अलग होकर अपना एक परिवार बसा लेते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि भी है। नगरीकरण देखो, औद्योगिकरण द्वारा औद्योगिक केंद्रों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इस प्रकार अनेक नवीन नगरों का जन्म हुआ है, इन नगरों में जनसंख्या के अनुपात में निवास स्थान की कमी है जिसके कारण पूरा परिवार संयुक्त रूप से नहीं रह सकता, तो नगरीकरण भी एक कारण है। ठीक है, शैक्षिक कारण देखो, तो शैक्षिक अवसरों में बढ़ोतरी के कारण शिक्षित तबकों ने पढ़ी लिखी लड़कियों से विवाह करना शुरू किया जिसके कारण संयुक्त परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जाति व्यवस्था का विघटन, जाति व्यवस्था के विघटन से संयुक्त परिवार को आघात पहुंचा है, जो व्यक्ति जाति व्यवस्था द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ता है उसे संयुक्त परिवार से
अलग कर दिया जाता है। तो शैक्षणिक कारण भी है, जाति व्यवस्था का विघटन भी है, ठीक है, और संयुक्त परिवार प्रथा भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। संयुक्त परिवार जो प्रथा है वो भारतीय संस्कृति की क्या मानी जाती है, आधारशिला मानी जाती है। संयुक्त परिवार हिंदू सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार है। संयुक्त परिवार का मुखिया घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। परिवार का मुखिया परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करता है। परिवार के सदस्यों की शिक्षा दीक्षा तथा विवाह संबंध आदि की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है। परिवार के कमाने वाले सदस्य चाहे वे व्यापार से कमाते हैं और चाहे नौकरी से, अपनी कमाई को पूरा को परिवार के जो है मुखिया के हाथ में देते हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं, उसी आय से जो है परिवार का मुखिया परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी भेदभाव के करता है। परिवार के कुछ कार्य देखते हैं दोस्तों। परिवार ही बच्चों का पहला स्कूल होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है। यहीं से बच्चे के समाजीकरण का पाठ शुरू होता है। बालक सर्वप्रथम अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण परिवार से करता है। आपको याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा सर्वप्रथम अनौपचारिक जो रूप शिक्षा का जो ग्रहण करता है वो कहां से करता है, तब आपका सीधा सा उत्तर होगा परिवार से करता है, ठीक है। परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा बच्चे का विकास होगा, ठीक है। परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं। परिवार के माध्यम से शैक्षिक कार्य व मनोरंजक कार्य पूरे किए जा सकते हैं, ठीक है। और भी देखते हैं, परिवार में लिंग आधारित चुनौतियां होती हैं जिसकी वजह से बालक एवं बालिकाओं और स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जा सकता है। परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। बालक की शिक्षा में परिवार का महत्व देख लेते हैं। बालक की शिक्षा में परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की शिक्षा का आरंभ परिवार में ही होता है, इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। परिवार में बालक सबसे अधिक माँ के संपर्क में रहता है। माँ की आदतों कार्यों और व्यवहार का प्रभाव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक परिवार की भाषा रहन सहन आचार विचार रुचियां आदि अलग अलग होती हैं, इसलिए दो परिवारों के बालकों में भिन्नता दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की उम्र शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम 1929 के तहत लड़कों के लिए 18 वर्ष जबकि लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। अब यहां से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला तो शारदा एक्ट कब बना, तो 1929 में बना। शारदा एक्ट के तहत ब्रिटिश काल में जो लड़के और लड़कियों की जो विवाह की आयु है वो क्या क्या रखी गई, ऐसा भी पूछा जाएगा। फिर हिंदू विवाह कब बना, हिंदू विवाह अधिनियम कब बना, तो 1955 में बना, ठीक है। इसके तहत लड़का और लड़कियों की जो आयु है वो क्या रखी गई, 21 और 18 वर्ष। तो ये चीज यहाँ से दो तीन प्रश्न आपके बनेंगे जिसके लिए आपको तैयार रहना है। मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। यहाँ और भी देख लेते हैं कुछ कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज का हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और लुईस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। जब 3 साल के थे तब एक नुकीले औजार से उसकी आंख में चोट लग गई और उसकी आंखें क्या हो गई, खराब हो गई। उसे आंखों से देखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, पर पढ़ने की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाती है। तब आपका एक सारांश क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है, तो उत्तर होगा लुईस ब्रेल, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देना है जो हमने पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है, किसका कथन है, महात्मा गांधी, क्रो क्रो, अरस्तु या फिर मैकाइवर का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अभी अपन ने पढ़ा है, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, अरस्तु, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, तो एकल परिवार में, पितृत्वात्मक परिवार, मातृत्वात्मक परिवार या फिर संयुक्त परिवार। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है, किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे अधिक ज्यादा रहती है,
तो प्रश्न क्रमांक दो का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा संयुक्त परिवार, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों, एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, तो आंशिक रूप से सत्य है, बिल्कुल असत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक तीन का उत्तर बताना है तो आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, सी, यानी कि पूर्ण रूप से सत्य है, सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, परिवार की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है परिवार की विशेषता, विवाह एवं यौन संबंध, समाज विरोधी कार्य करना, वंश परंपरा या फिर सार्वभौमिक संगठन, तो परिवार की विशेषता क्या नहीं है, प्रश्न क्रमांक चार का उत्तर बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, परिवार की विशेषता नहीं है समाज विरोधी कार्य करना, वी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा की गई है, तो प्रत्यक्ष रूप से बताना है मादक पदार्थों, बाल श्रम, दहेज प्रथा या फिर सती प्रथा, प्रश्न क्रमांक पांच का उत्तर। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा की गई है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बाल श्रम के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से चर्चा की गई है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, सती प्रथा के विरुद्ध बताना है, महात्मा गांधी जी ने, राजा राम मोहन राय ने, दादा भाई नौरोजी या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रश्न क्रमांक छह का राइट आंसर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रयास करने वाले थे वो थे राजा राम मोहन राय, यानी जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, हिंदू पुत्राधिकार अधिनियम कब बना, 1952, 1950, 1955 या 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना, प्रश्न क्रमांक सात, तब आपका सात का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1956, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका डी नंबर यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न, बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है, तो किसके द्वारा, राष्ट्र, समाज, पड़ोस या परिवार के द्वारा, तो प्रश्न क्रमांक आठ का उत्तर बताना है, बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर जो है रह कर रहने की शिक्षा दी जाती है तो परिवार के द्वारा। ठीक है, जो डी नंबर है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो देश, परिवार, समाज या फिर समुदाय, नौ का उत्तर आपने जो उत्तर बताया है कि परिवार समाज की सबसे छोटी प्राथमिक इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला है, जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दायित्वों के क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है वो परिवार क्या कहलाता है, प्रश्न क्रमांक 10 का, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या फिर मातृसत्तात्मक परिवार या फिर पितृवंशीय परिवार, तो जिसमें माता की सत्ता रहती है वो क्या कहलाता है, मातृसत्तात्मक परिवार, यानी कि जो सी नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में होती है वो किस प्रकार का परिवार होता है, चार प्रकार है, पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, एकल या फिर संयुक्त परिवार, तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है और राइट आंसर होगा कौन सा, पितृसत्तात्मक, यानी कि जो ए नंबर है वो आपका पितृसत्तात्मक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेस्ट मार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं, आपको बताना है बेस्ट मार्क के अनुसार बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या फिर एक विवाह, प्रश्न क्रमांक 12 का बताना है, बेस्ट मार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं, तो प्रारंभिक जो परिवार होते हैं दोस्तों वो एक विवाह है, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किसके अनुसार, बेस्ट मार्क के अनुसार, ऐक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है, सामूहिक विघटन, पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन या फिर तलाक, 13 का उत्तर बताना है क्या कहलाता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, पारिवारिक विघटन, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होते हैं, तो मिताक्षरा का नियम, दाय भाग का नियम, प्रवर का नियम या फिर संपिट का नियम, परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य का जो अधिकार होता है वो जन्मजात होता है, ये कौन सा नियम है, 14 का उत्तर हमें बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मिताक्षरा का नियम है, ए नंबर।
ठीक है, परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होता है, वो मिताक्षरा का नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है, समाजवाद है, व्यक्तिवाद है, ग्रामीणवाद है, या फिर नारीवाद, नगरीवाद है? प्रश्न क्रमांक 15। और संयुक्त परिवार को कायम रखने का एक उत्तरदायी है, रखने के लिए उत्तरदायी है, तो वो कौन सा है दोस्तों? ग्रामीणवाद। सी नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में आप अभी भी देखते होंगे कि संयुक्त परिवार, बहुत से परिवार में संयुक्त परिवार ही होता है। ठीक है, मनु के मत अनुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? आपको बताना है, पिशाच विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, या फिर राक्षस विवाह? मनु के अनुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? प्रश्न क्रमांक 16। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन सा? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म यानी कि जो बी नंबर है वो सही होगा, ब्रह्म विवाह। ठीक है, अगला देख लेते हैं, किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना गया? विशेष विवाह अधिनियम 1950, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, या फिर आर विवाह अधिनियम 1936। तो किस अधिनियम के द्वारा आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 17। और राइट आंसर आपका होगा बी, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955। ठीक है, 1955, इसके द्वारा आपका बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत में लड़कियों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखो, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में लड़कियों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु लड़के की 21 और लड़की की 18 कॉमन है, पता है सभी को। ठीक है, अगला देखो, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन है। यह कथन कैसा है आपको बताना है, सत्य है क्योंकि सभी परिवार इसी प्रकार के होते हैं, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो है जैविक बच्चे जैविक होते हैं, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, या फिर सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो हमें बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न है आपका, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है दोस्तों? सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, परिवार एक इकाई होता है। ठीक है, जिसमें माता, पिता, बच्चों के अलावा अन्य सभी सदस्य होते हैं। भिन्न भिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यता होती है, तथा परिवार में केवल माता, पिता और बच्चों का सम्मिलित होना गलत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो परिवार है वो कई प्रकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? आपको बताना है, अगला बताना है दोस्तों आपको कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, या धार्मिक केंद्र से? तो बच्चे को समाजीकरण का जो पहला पाठ है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तब सभी लोगों को पता है कहाँ से प्राप्त होता है, परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, जहाँ वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी करता है ना, इसलिए परिवार को समाजीकरण का पहला पाठशाला भी कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण है, तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 4, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या शिक्षकों का अनुसरण करना? तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें। उत्तर आपका हो जाएगा ए, ए यानी कि शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। बच्चों को समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है, इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकल परिवार से तात्पर्य है तो क्या है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं बच्चे रहते हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं, या केवल पति पत्नी? तो एकल परिवार से जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, सभी को पता है कि परिवार जिसमें माता एवं पिता उनके बच्चे रहते हैं, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या फिर दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है? तो कौन सा कथन सही है बताना है। चार कथन है आपके सामने।
तब आपका प्रश्न क्रमांक 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। सी यानी कि दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है, सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम बताना है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम जो पारित किया गया वो कब किया गया, 2000, ठीक है, 6 में पारित किया गया। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया, जबकि 1 नवंबर 2007 से इसे लागू कर दिया गया। तो पारित किया गया 2006 में, लागू हुआ 2007 में, ये चीज भी आपको याद रखनी है, कौन सा, बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। तो परिवार की नहीं है बताना है आपको, कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये जो है परिवार की नहीं होती विशेषता, ठीक है। मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार बनाते हैं। एक मनुष्य परिवार में सभी लोग होते हैं और एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। परिवार छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। परिवार में कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क तथा साथ रहना चाहिए। इसके अलावा वे समान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों तथा सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए, ठीक है। शारदा एक्ट का बताना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रख लेना है। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो दोस्तों आपको पता है कि शारदा एक्ट जो आया वो कब आया, 1929 में आया, और इसका जो संबंध है वो कैसे है, वो है दोस्तों किससे, यदि बताओ, बाल विवाह। बाल विवाह ए नंबर, ठीक है, बाल विवाह से संबंध था कौन सा, शारदा एक्ट, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का जो है निर्धारण किया गया, तो आपको पता है, ठीक है। और इस शारदा एक्ट के तहत लड़कों की जो आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी। अब यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो है लड़के एवं लड़कियों की आयु, विवाह की आयु क्या होती है, निम्न में से बताइए कौन सी है। तब आपको पता होनी चाहिए कि 21 और 18 है, लेकिन अगर पूछा जाए कि शारदा एक्ट के तहत जो है विवाह की आयु क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए लड़के की 18 और लड़कियों की 14 वर्ष, तो ये याद रखना है। और 1929 में ये जो है शारदा एक्ट बना था। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, तो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण तो सभी को पता है कि बाल विवाह भी है, ठीक है, बाल श्रम भी है और दहेज है, यानी कि सभी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों परिवार को पढ़ा, परिवार को सबसे पहले विस्तृत पढ़ा, उसके बाद इसके जो प्रश्न थे, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको पढ़ा, ठीक है। ये तीन पार्टों में हमने परिवार को आपको दिया है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से परिवार के जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो सारे के सारे आप तक प्रेषित किए हैं, ठीक है, वो जरूर देखें। इसके बाद आवास का वीडियो आने वाला है, वो जरूर देखना है। और पर्यावरण लगभग लगभग आपका बिल्कुल कंप्लीट होता जाएगा, ये रिवीजन जो है, ठीक है। तो वीडियो को सभी को लाइक करना है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो और रिवीजन आपका कैसा चल रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें, और जो भी नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर जरूर कर लेना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।